मैं आज खड़ा हूँ दिल्ली के दरियागंज में, लाल किले वाली रोड पर जामा मस्जिद के पीछे। यहाँ ट्रैक्टर रैली पहुँची हुई है काफ़ी देर से, अब वापस जा रहे हैं, पर हम काफ़ी घंटों से आज देख रहे हैं कि कैसे स्थानीय लोग भी खड़े हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें खाना पानी भी दे रहे हैं। तो हमने बात की कुछ स्थानीय लोगों से, क्योंकि किसान रैली तो आज ऐतिहासिक है ही, पर कुछ लोग कह रहे हैं हिंसा हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम स्थानीय दिल्ली वासियों से बात करते हैं, उनका क्या सोचना है, क्या हिंसा हुई है, क्या हुई है, क्या कितने समर्थन में है किसानों के। आई फीलिंग सो प्राउड कि इंडिया में ऐसे लोग हैं जो अपने ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है जो लोग खड़े हो सकते हैं अपने हक के लिए। हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, एकजुट नहीं हो पाते मुसलमान लोग, सिवागा में लोग में एकजुटता है बहुत ज़्यादा, तो ये लोग साथ में खड़े हुए हैं और कब से खड़े हुए, एक डेढ़ महीना हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मानना कि मैं खुद जाकर यहाँ सपोर्ट करूँ, बहुत वाकई में बहुत जुनून है इन लोगों के अंदर। मेरा मतलब मैं लड़की हूँ, मैं सच में काश में लड़का होती तो मैं आज लोगों के साथ खड़ी नहीं होती। आई एम फीलिंग सो सो मच प्राउड कि वाकई में ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर बचे हुए, देश के अंदर। मोदी ने बेड़ा गरक कर दिया सबका, सच में मोदी कुछ नहीं है अब। और सही है, आज ये कौम खड़ी नहीं रहा, कल मुसलमान भी खड़ा होगा, कल हिंदू भी खड़ा होगा, क्योंकि सिख कह रहे हैं को हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी इन लोगों का है जो भी है, हमारा कुछ नहीं है, ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना सिख ना पंजाब, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा आखिर में मोदी और मोदी के चाहने वाले। कहा जा रहा है कि हिंसा है, हिंसा तो है ही नहीं, इतना पोलाइटफुल है, कुछ भी नहीं है, एक उल्टा ये लोग ही जो है मतलब आक्रमण कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनको उकसा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इतना पोलाइटफुल जा रहे हैं। तो उनकी हैप्पीनेस है कि वो मतलब हम एक साथ हैं, वो उनकी हैप्पीनेस है जो वो लोग कर रहे हैं, गाने वाने बजा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप खुद यहाँ पर खड़े हो, कब से आ रहे हो, आपने मुझे कहा है, मैं आपने कितनी बार हिंसा होते हुए देखा है, कितने पोलाइट लोग हैं, आप कहीं पर भी मिल जाए इन लोगों को, ये इतने हम्बल, इतने काइंड नहीं है, कोई भी इनमें मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम लोगों को अटैक कर रहे हैं या मार रहे हैं पुलिस वालों, कुछ भी नहीं। कितना टाइम हो गया अपना घर बार छोड़ के, अपना किसान सब कुछ छोड़ के ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन किसी पर भी मतलब कोई आग, कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, सब कितने हम्बल है। अभी भी आप इन लोगों का फेस देखोगे, सबके सब हम्बल है, स्माइल करते हुए फेस पर है, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जिसलिए जहाँ बैठे हुए बहुत अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ आगे ये सब कुछ आगे तक चले, जब तक इनकी मांगे पूरी ना हो पाए, और कोई नाजायज मांगे नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है कि काला कानून वापस करा जाए जो इन पर थोपा गया है, बेटी जी का इन पर किसी ने नहीं मांगा, मोदी ने, इन्होंने अपने लिए जियो मार्ट स्टार्ट हो गया, अभी जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जियो मार्ट स्टार्ट हो गया, जियो ने अपना मतलब क्या कहते हैं आपका अनाज इन सबका स्टार्ट कर दिया, बेसिकली ये सब कुछ उन्हीं का दिया करा गया है, मोदी कुछ नहीं करता, मोदी जैसा मोदी मतलब एक रोबोट है इन लोगों का और कुछ भी नहीं है, मोदी इन लोगों का रोबोट बना हुआ है, जैसा वो लोग बोलते हैं ऊपर से कि मोदी आज ये करना है आज वो करना है, मुल्क में तुमको इतना दूंगा, पूरे समर्थन में है स्थानीय। हाँ, मैं मुसलमान पूरी कौम इन लोगों के समर्थन में, आप देखो यहाँ पर कितने लोग आए हुए सपोर्ट करने के लिए, सब लोग बहुत बहुत प्राउड है, मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड हूँ लोगों के। स्थानीय लोगों का विचार ये है कि किसानों के साथ हम पूरी पूरी तरह हैं, और हम लोकल से जितने भी हैं यहाँ, और हिंसा कहीं भी नहीं हुई, और बहुत ही ज्यादा जो है डिसिप्लिन के साथ ये रैली हुई है हमने देखा है, और हालांकि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज जरूर हुआ है और लोगों को चोट आई है, लेकिन उन्होंने कोई इसका जो है रिएक्शन नहीं दिया किसानों ने, और बहुत शालीनता से जो है इसको जो है प्रदर्शन को करा है, और हम किसानों के साथ हैं और उनकी मांगों के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि कानून ये वापस हो, सरकार को सोचना चाहिए कि अब ये जन आंदोलन बन चुका है, अभी किसानों का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। स्थानीय दिल्ली वासी यहाँ दरियागंज आसपास आप यहाँ रहते हैं? हम लोकल से यहाँ के, यही आप लोग सब समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। देख सकते हैं यहाँ कितने सैकड़ों लोग जमा है दरियागंज में, और किस तरह से अभिनंदन कर रहे हैं, किसान भाइयों का समर्थन कर रहे हैं यहाँ लोग। हम यहाँ जामा मस्जिद के पीछे दरियागंज में लाल किला रोड पर हैं। हमारे यहाँ से कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं हुआ है, जो भी हिंसा प्रदर्शन हुई है दिल्ली स्टेट की तरफ से हुई है, बैरिकेड उन्होंने लगाए गए हैं, हमारे यहाँ से कोई बैरिकेड नहीं लगाया गया है, सब बैरिकेड लगा के उन्होंने रोका गया, अगर ये बैरिकेड नहीं लगाते शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था, शांतिपूर्ण सारा काम होना था, इन्होंने खुद क्या कहते हैं सबको रोक रोक के क्या कहते हैं
तो पहले परमिशन दे दी थी फिर बैरिकेड लगा दी। हाँ, पहले परमिशन दे दी थी, उसके बाद बैरिकेड लगा दिए गए। अगर ये बैरिकेड नहीं लगाते, जो क्या कहते हैं स्थान इन्होंने दिया था, जो रास्ता इन्होंने दिया था, हमने उसी रास्ते से जाना था। अच्छा। इन्होंने क्या कहते हैं मजबूरी में हमें क्या कहते हैं काम करना पड़ा, नहीं तो ये ऐसा कभी कभी होता ही नहीं। 11 बजे जी हम लोग 11 बजे से आए हैं और हमारे सिख भाई सारे, जो भी सिख भाई हों, जो भी मजदूर वाले मजदूर भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, हम सब लोग बड़े बहुत ही बढ़िया ढंग से आए हैं और लाइनों में आए हैं, कोई कुछ ऐसा नहीं है। इनकी तरफ से ही बैरिकेड लगाए गए, जो कि हम सब लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन फिर भी हमने बड़े प्यार से इनको बात करके, और हमारा ये जो आज की मार्च थी, पहले ही इनको बता दिया गया था कि ये कई दिनों से क्या कई हफ्तों से ये डेट, आज की डेट हमने मुकर्रर की हुई थी कि हम लोगों ने आना है, फिर भी पुलिस वालों ने और ये जो भी इनके लोग हैं इन्होंने हमारा रास्ता आंदोलन रोका, और इनकी वजह से ही फायरिंग भी हुई है। और जहाँ तक सुनने में आया है, एक हमारा मजदूर भाई जिसकी मृत्यु हुई है, गोली मार के उसको मारा गया है। ये तथ्य कितने हैं ये मेरे को सुनने में आया है, और जहाँ तक आगे कई भाइयों से सुना है, ये भी बात सच है कि इनकी तरफ से फायरिंग हुई है, और उसके बावजूद भी हमारी तरफ से कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई कि हमने कोई वो नहीं किया। हमने उसको कहा जी हमने कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं किया उसके ऊपर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मोदी मीडिया, दो बैठे हमारे टीवी मीडिया से आए हुए थे, कुछ सहकर्मी आए हुए थे टीवी मीडिया से भी। हमारे पर लोगों को टीवी मीडिया पर भरोसा नहीं रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ, अब हम लाल किले में हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और ऊपर तिरंगा भी है, सिख धर्म का झंडा भी है, लाल किले पे फतेह हुई है, किसानों की फतेह हुई है, और यहाँ स्थानीय लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ और ये प्रोटेस्ट में अब कई दिनों से इसके बारे में न्यूज़ पे देख रहा था, तो मैंने लगा कि आज मैं साइकिल पे आके एक बारी खुद अपनी आंखों से देख लूँ। तो पहले तो भी बिल्कुल पीसफुल था, अब थोड़ा आज हिंसा हो चुकी है, पुलिस मतलब झड़प हो चुकी है पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में। लेकिन 2-2.5 महीने जो ये ठंड में रहे हैं बॉर्डरों पर, तो ऐसा तो होना ही था। बाकायदा इनकी मतलब जो कानून निकाले गए हैं वो कंसर्निंग फार्मर्स ही हैं, और जो अगर फार्मर्स को ही लॉ नहीं पसंद तो फिर आई थिंक उसको फील बैक करना, इट्स इम्पोर्टेंट कि सरकार दो बारी सोचे ऐसे करने से पहले। बाकी बात है ही फिर, जैसे कि आज झड़प थोड़ी बहुत देखी हमने, लेकिन ये तो मुझे लगता है होना ही था कि 2 महीने तक इनकी बात कोई नहीं सुन रहा बेचारे, ठंड में जो इतने बुज़ुर्ग भी थे, मेरे हिसाब से तो आई थिंक 150 से ज़्यादा लोग मर भी गए संघर्ष में। जी आज तो यहाँ स्थानीय निवासी दिल्ली में, आपको लगा हिंसा पुलिस ने करी या आपने कुछ ऐसा देखा है सब? देखो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कुछ किसी ने गलत किया। जहाँ पर थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग थी, लेकिन जो लोग 2 महीने से ठंड में अपना मतलब पीसफुल बैठे हैं, तो आप क्या चाहते हो 6 महीने 1 साल बैठे रहें? ये होना ही था। और मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, और मैं स्वागत करता हूँ सारे किसान भाइयों का। मैं चाहता हूँ इनकी आवाज़ सरकार सुने, और अगर मोदी जी ऐसे ही सुनेंगे तो फिर कहते हैं कि दांतों के भूत फिर ऐसे ही मानते हैं। साथियों देखा आपने कैसे बहुत सारे किसान यहाँ तो आए लाखों की संख्या में, पर जो दिखाया जा रहा है बहुत जगह सोशल मीडिया पर कि कुछ हिंसा हुई है, कैसे हुई है आपने खुद सुन लिया है। स्थानीय निवासियों ने, दिल्ली वालों ने स्वागत किया है, खासकर हम पुरानी दिल्ली में हैं तो हम कहते हैं पुरानी दिल्ली वालों ने तो स्वागत किया ही है यहाँ लोगों का, किसानों का जम के, और भरपूर समर्थन भी किया है। और अब लाल किला आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर भी अभी भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद है किसान, तो समर्थन जारी है। और अभी मुझे लगता है अब सरकार को गहन सोचना चाहिए, जब कितने लाखों की संख्या में पूरे देश भर से किसान रैली कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, तो काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। तो ये केवल किसानों का मानना नहीं है, अब जनता भी है, दिल्ली की जनता तो हमने आप दिखाई दिया आपको समर्थन में है, तो जनता भी साथ है। हमारे साथ बने रहिए, द शूद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और हमारे साथ लगातार बने चाहिए चैनल के साथ ऐसी खबरों के लिए। जय भीम साथियों, मैं रोहन कटपालिया यहाँ लाल किले से।